हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने आईलैश एक्सटेंशंस करवाने, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आईलैश एक्सटेंशंस पर वीडियो बनाओ, उसके साइड इफेक्ट्स बताओ, उसका रिजल्ट बताओ। तो मैं आपको नहीं बता सकती थी अभी कुछ भी, क्योंकि मैंने कभी आईलैश एक्सटेंशंस करवाए ही नहीं थे। तो बिना करवाए तो मैं आपको बता नहीं सकती थी कि क्या रिजल्ट है और क्या साइड इफेक्ट है। तो आज मैं जा रही हूँ आईलैश एक्सटेंशंस करवाने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आपको उसके रिजल्ट, उसके साइड इफेक्ट सब कुछ बता पाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब चलते हैं। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा ना? बस आपको केयर करनी पड़ती है। केयर मतलब क्या? जैसे फॉर्म वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। आईज मलनी नहीं है, मस्कारा यूज नहीं करना। अच्छा, तो कितनी देर तक रहेंगी? देखो, 1 वीक की गारंटी हमारी है। अगर ज़्यादा हेयर निकलगी, एक दो तो निकलेगी, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर स्पेस होगी तो हम फ्री फिलिंग फ्री करके देते हैं। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जितनी केयर करोगे मंथ से ऊपर भी निकल सकती है। अच्छा, ठीक है, वो आपके ऊपर। तो वैसे कुछ प्रिकॉशंस वगैरह की, कितनी देर तक पानी नहीं लगाना है ऐसा कुछ नहीं? अच्छा। क्योंकि ग्लू की पकड़ी बहुत स्ट्रांग होती है, अगर हमें पता चल जाता है अगर आपकी निकली तो आपकी ओरिजिनल भी नीचे से जाएगी, क्योंकि पकड़ अपनी वो छोड़ती नहीं है। अच्छा, ठीक है। रब वगैरह नहीं करना, बाकी नहीं वगैरह नहीं करना, और कॉमस कारा कॉम होती है ना, उसके साथ सीधी रख दिया। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे आई लैशेज को कॉम कर लिया था अच्छे से स्पूली की हेल्प से। उसके बाद वो मेरे आई लैशेज की लेंथ चेक कर रहे थे। जो ओरिजिनल लेंथ थी मेरे आई लैशेज की, उससे बिल्कुल थोड़े से बड़े आई लैशेज उन्होंने मेरे को लगाए थे। उसके बाद वो टेप लगा रहे थे मेरे लोअर लैश लाइन पे, ताकि ग्लू वगैरह अंदर ना जाए। और पता नहीं वैसे क्यों लगा रहे थे, लेकिन ये लगाते हैं, आई थिंक इसीलिए लगाते हैं ताकि ग्लू वगैरह ना चिपक जाए, क्योंकि ये जो ग्लू होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखो, ये ग्लू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम अगर अपने आई लैशेज को पानी लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो भी मतलब इतनी देर तक हमारे लैशेज चिपके रहते हैं। एंड हाँ, टेप लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो हमारे लोअर लैशेज हैं वो ऊपर वाली फेक लैशेज के साथ चिपके ना, क्योंकि उन पर ग्लू लगा होगा जब वो लगाएंगे उन्हें। अभी ये जो आप वाइट बॉटल देख रहे हैं, ये ग्लू है। इसका कलर ब्लैक होता है अंदर से। एंड इन्होंने इसे ये फिंगर में रिंग जैसा कुछ था उसमें ले लिया था। उसके बाद ये एक एक करके हेयर्स को जोड़ रहे थे। एंड सच में गाइस, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब ये हेयर्स चिपक रहे थे ना, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कुछ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मिथ है कि इससे पेन होता है, या मतलब काफ़ी मैंने सुना है कि लोग डरते हैं ये कराने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मतलब आई लैश चिपक रहे हैं। जो मेरे साथ फ्रेंड थी उसने मुझे बताया कि वॉल्यूम आ गई है, तो मुझे पता चला था, वरना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। इस प्रोसेस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस, क्योंकि एक तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है, ऊपर से हमें अपनी आईज क्लोज करके बैठना होता है, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगा मुझे। बाकी पेन वगैरह तो कुछ नहीं हुई, लेकिन मेरे को यही सबसे मुश्किल लग रहा था कि मेरे से आंखें बंद करके बैठा ही नहीं जा रहा था इतनी देर। मतलब लेटी हुई थी मैं, लेकिन तो भी मेरे से आंखें इतनी देर तक बंद रखी ही नहीं जाती हैं। मेरे को इतनी बार तो ऐसे हो गया था कि मैं भूल ही गई थी कि लैशेस लग रहे हैं, तो मैं आंखें खोलने वाली थी, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल आईज ओपन मत करना। तो फिर जाके मेरे को हो रहा था नहीं नुकसान हो जाएगा अगर ओपन कर ली, लेकिन ये सबसे मुश्किल चीज़ इसमें यही है कि आईज क्लोज करके लेटना पड़ता है इतनी देर तक। एंड ये प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक चला था, क्योंकि वो बिल्कुल एक एक करके चिपका रहे थे, तो सीधी सी बात है लंबा तो चलेगा ही। एंड मेरा तो चलो कुछ नहीं, मैं तो बस आईज क्लोज करके लेटी हुई थी ना, लेकिन जो मैम चिपका रहे थे आई लैशेज, उनका मुझे हो रहा था कि वो कितने पेशेंटली अपना काम कर रहे हैं। एंड बिल्कुल उनके फेस पे कोई ऐसे वो नहीं था कि इतनी थक गई हूँ, कुछ भी थकावट जैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसे स्माइल के साथ वो अपना काम कर रहे थे। एंड मुझे जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे खुद में शर्म भी आई कि मैं बस लेटी हुई थी तो भी मेरे से मतलब इतनी ज़्यादा मैं उतावली हो रही थी आंखें खोलने के लिए, कि मेरे से लेटा ही नहीं जा रहा था आंखें बंद करके। इस सैलून की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। काफ़ी अच्छा सैलून है, काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। एंड यहाँ पर अब तो हाइड्रा फेशियल भी होने लग गया है, अगर हो सका तो मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर डालूँगी। तो अभी आप वीडियो को एंजॉय करो, एंड आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो।
Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. सो मेरे तो एक्सटेंशंस हो गए हैं, अब मैं इसके स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि मैंने साथ साथ सीख भी ली है, तो अब इसके एक्सटेंशंस होने वाले हैं। हाँ मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा वेलापंती कर रहे हैं। वेलापंती कर रहे हैं। तू ऐसे लेटी क्यों अगर तू नहीं करवा रही? पेशेंट हूँ मैं तो हर जगह जाके पेशेंट बन जाती है। तो गैस अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने घर एंड मेरे को ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब मेरा फेस इसे बिल्कुल अलग ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसे डॉल जैसा लग रहा है, मतलब मेरे को खुद में लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है कि नहीं। सामने से मतलब दीदी ने बोला सामने से इतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं साइड पे देख रही हूँ तो फिर दिख रहे हैं ज़्यादा। आप बताओ कैसे दिख रहे हैं, मतलब सामने से अच्छे लग रहे हैं साइड से अच्छे लग रहे हैं? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसीजर था, क्या मुझे फील हुआ, मतलब फील क्या मुझे। पहली बात तो इसमें कोई भी पेन नहीं है, पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि इसमें पेन होगा, मेरे को पहले से पता था कि पेन तो इसमें नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ आईलैश चिपका रहे हैं, तो इसमें पेन किस चीज़ का होगा? तो पेन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और तो और मुझे पता है आधे घंटे तक मुझे पता भी नहीं चला कि लैशेस लग रहे हैं, मुझे लगा वो अभी तक अपना वो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो जो मेरी फ्रेंड साथ गई थी, फिर मैंने उससे पूछा कि कितना हुआ, मतलब कब स्टार्ट होगा, तो फिर वो बोलती कि मतलब वॉल्यूम आ गई है, काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं। तो मेरे को ऐसा हो कि मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि वो चिपका रहे हैं। एंड ये प्रोसेस जो चला था वो था 1 आवर का, मतलब 1 घंटे में पूरे हो गए थे, लग गए थे। एंड मेरी तो इतने ज़्यादा वो हैवी लैशेस नहीं है, मतलब करवाए नहीं है मैंने हैवी वाले क्योंकि फिर वो मुझे ज़्यादा ही लग रहे थे, मतलब ओवर लग रहे थे। मुझे नेचुरल लुक ही चाहिए था, जैसा आया है बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। एंड इसका प्राइस है 2000, अभी वहाँ पे ऑफर चल रहा था तो मुझे 2000 में हो गए हैं, वैसे इसका प्राइस 3000 है। एंड जो क्लासिक वाले हैं, क्लासिक वाले में इससे भी नेचुरल लुक आता है, मतलब बिल्कुल कम कम होते हैं वो, तो वो 1500 के अभी हो रहे हैं एंड ऐसे उनका प्राइस है 2000। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड ही बोला था उन्होंने, ये हाइब्रिड आई लैश एक्सटेंशंस हैं। और जो क्लासिक वाले होते हैं उसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा वॉल्यूम आता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो मेरे को इतना तो चाहिए था तो मैंने इसलिए ये वाले करवाए। एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं अभी मेरे, सिर्फ 2000 के।
एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अभी तो वैसे साथ साथ ही पता चलेगा टाइम के कि कैसा है। फिलहाल लगने में मतलब लगाने में कोई मुझे तकलीफ़ नहीं हुई है, ना तो कोई ग्लू आइज़ के अंदर चली गई थी जिससे कुछ मुझे इरिटेशन वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तो जबकि मैंने आइज़ खोली थी ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला था कि आईलैश एक्सटेंशंस हो गए हैं मेरे। इतना लाइट लग रहा था, बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा। और जब मैंने मिरर देखा, मेरे को सच में यकीन नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा लैशेस लग गए हैं, फिर भी मुझे बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा है। और उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, जैसे इसको स्पूली की हेल्प से बार बार ना ऐसे कॉम करते रहना है ताकि ये आपस में क्लम्प्स ना हो, एंड उसके बाद इसको रब नहीं करना है, पानी से रगड़ना नहीं है, मतलब रगड़ना तो है ही नहीं है, और पानी के छींटे जो होते हैं वो ज़ोर से नहीं मारने, बिल्कुल हल्का हल्का पानी से मारना है, मतलब पानी से आइस धोनी है हल्के हल्के, एंड कुछ भी ऐसा नहीं करना है, रब वगैरह नहीं करना है। और गलती से सोए हुए नहीं पता चलता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। और हाँ, उन्होंने मुझे एक हफ्ते की वारंटी दी है कि अगर एक हफ्ते में थोड़े से भी लैशेस मेरे उतरते हैं तो वो मेरे को फ्री का रिफ़िल करवा देंगे। एंड ये इसका उन्होंने बोला, अगर हम अच्छे से केयर करेंगे तो ये एक मंथ तक आराम से चलेंगे, एंड एक मंथ बाद आप रिफ़िलिंग करवा सकते हैं। एंड रिफ़िलिंग का प्राइस है ओनली 1000 रुपीज़ में रिफ़िलिंग हो जाएगी। तो मैं देखूंगी, अगर मुझे लगा कि मुझे दोबारा ये ऐसे ही रखने हैं या मुझे अपना फेस इसके बिना नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैं रिफ़िलिंग करवाती रहूंगी हर मंथ। फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फेस। एंड अभी मैं अपने फ्लैट में हूँ ना, तो जब मैं घर जाऊँगी मैं मम्मा का, पापा का, भाई का, सभी का रिएक्शन कवर करूँगी। मैंने अभी उनको नहीं बताया कि मैंने एक्सटेंशंस करवा ली हैं, तो मैं उनको घर जाके ही दिखाऊँगी सीधे, एंड उनका रिएक्शन भी कवर करके आपको बताऊँगी। उसका वीडियो अलग से आएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। मेरे एग्ज़ाम्स बस ख़त्म ही होने वाले हैं, तो कुछ ही देर में मैं घर चली जाऊँगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। शायद वो वाला वीडियो पहले आ जाए या ये वाला बाद में आए, अभी कुछ पता नहीं है, वो एडिटिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सा वीडियो पहले आएगा। फिलहाल तो मुझे आपके साथ यही शेयर करना था। अगर मुझे और कुछ लगा इस मंथ के बीच की जो आपको बताना चाहिए एक्सटेंशन के रिलेटेड, तो मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल तो बस इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।